हसनपुर की बात करते हैं, जहां दो गांव में अलग अलग जगह मामूली कहासुनी के चलते लाठी डंडे चले। इस घटना में कई लोग घायल हो गए, जो उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती है। वहीं पुलिस ने भी मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कैसे कैसे हुए हैं? पानी चलाने पर पानी आ गया था, तो इस वजह से झगड़ा हुआ। मारा किसने? गाली गलौज हुआ और लाठी डंडा से मारा। किसने मारा? दूसरे पक्ष ने मार पिटाई की। क्या नाम है आपका? बताऊँ क्या नाम है आपका? भारू भाई, क्या हुआ है? ये है कि इनका जो ना पानी हमारे किचन को कट जाता है, और हम मने करते हैं ना, तो दादागिरी दिखाते हैं। इन्होंने जो ना झगड़ा करने का प्लान बना रखा था, हम दो चार आदमी गए ना समझाने के लिए, इन्होंने हम मनने चालू कर दिए। ये बात थी आज। तो ये आपके चोट कैसे लगी? यार डंडा मारा है। ये क्या हुआ, कैसे भी समाप्त? ये कुछ जो इनके सोमवार के दिन में नल है सरकारी, पानी खुला के दिन कहाँ से हो गई, उसके जो संबंध में इसने कह दी भैया लड़ाई मत कर करो। अब रात जो है चार लड़कों ने इसे मिलकर, दो बाप बेटा हैं और एक उनका भतीजा है, तो एक संजय नाम का लड़का है, उन्होंने इस पर नल पर पानी पीने गया सरकारी पर, इस पर कुल्हाड़ी से प्रहार करा, जो कुल्हाड़ी होती है लकड़ी काटने की। उसके बाद जो है इसे इसके बीच खोपड़े में लगी हुई है, बिल्कुल 8-10 टाँके भी हैं इसके। मेडिकल कराया है, पुलिस में गई है, सारी बातें हुई हैं, तुरंत लेकर भाग गया है। हालत तो मारने के लिए अब हालत कैसी है? अब तो हालत इसकी वहाँ यहाँ से इन्होंने रेफर कर दिया है सर, अमरोहा के लिए। अमरोहा वालों ने भी मुरादाबाद के लिए सीटी स्कैन के लिए रेफर कर दिया। हालत गंभीर बनी हुई है अभी।